हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे आप सभी? आशा करते हैं आप सभी बहुत 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 अच्छे होंगे। ईश्वर करे आप सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे, अपने जीवन में ही तरक्की करते रहे और आगे बढ़ते रहे। तो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, तो ये शाम का समय है, तो डिनर बनाने की तैयारी कर रही हूँ मैं। और आप सभी का मैं अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ, मिस्टर बबलू निशा ब्लॉग पर। तो आज मैं जैसे कि सब्जी है, सुबह मैं सब्जी बनाई थी, आलू की भुजिया और पकौड़ियाँ बनाई थी। तो कुछ पकौड़ी भी अभी है और आलू की भुजिया की भी सब्जी है, तो मैं सोची चलो पास्ता बना देती हूँ, तो उसके साथ सब थोड़ा थोड़ा दे दूँगी मैं मिला के। तो मैं पास्ता बनाने जा रही हूँ। ये देखिए मैं मटर छील के उबाल दी हूँ, क्योंकि इस टाइम का मटर थोड़ा टाइट आ रहा है हार्ड, जिससे थोड़ा उबाल देते हैं तो मुलायम सॉफ्ट हो जाता है। और ये एक तरफ मैं दूध गर्म करने के लिए रख दूँगी, तो मैंने दूध को छान लिया है। तो मैं बोतल को गर्म पानी से धो दूंगी। गर्म पानी धोने से ना इसकी महक निकल जाती है, नहीं तो ऐसे ही ना बदबू सी आती है। मैं गर्म पानी से इसे धोऊंगी। दूसरे लोग सो रहा है तो जल्दी फटाफट मैं खाना बना लेती हूँ। और आटा मैं गूंथ के रख दी हूँ, और चावल भी बचा है, थोड़ा सा ही आटा मैं गूंथी हूँ। तो देखिए मैं थोड़ा चावल जो बचा है उसका, चावल को मैं भून लूंगी ताकि गर्म भी हो जाएगा, भून लेंगे तो स्वाद भी चेंज हो जाएगा। तो आधा देखिए प्याज, हरी मिर्च, यही सागा लहसुन है तो मैंने काट लिया है। तो इसमें से थोड़ा थोड़ा चावल में भी डालूंगी भूनूं जब, और थोड़ा मतलब दोनों मिक्स है तो दोनों में सादा आधा करके डालूंगी। पास्ता में भी डालूंगी, और जिसे मैक्रोनी भी कहते हैं, तीन मैक्रोनी है तो पास्ता भी कहते हैं। इसे बच्चे भी खा सकते हैं, प्रोटीन वाला है, विटामिन बच्चे भी खा सकते हैं। तो डुगू तो सो रहा है, तो चलिए मैं इसे बना लेती हूँ। पहले इसे मैं उबाल लूंगी मैक्रोनी को। इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे ताकि खिला खिला रहे, चिपके ना मैक्रोनी। इसमें मैगी मसाला डालूंगी और जो बेसिक मसाला है वो भी डालूंगी थोड़ा बहुत। आधे मटर मैक्रोनी में डालूंगी और आधे मटर चावल जो भूनूंगी उसमें डालूंगी। मेरा दूध भी उबल गया है, मैक्रोनी भी उबल गया है, तो मैं जा रही हूँ मैक्रोनी पहले बना लेती हूँ, फिर चावल भूनूंगी। इसी में मैं सुबह पकौड़ी बनाई थी तो इसी में बना लेती हूँ। कढ़ाई मेरा गरम हो चुका है, तो उसमें मैं सरसों का तेल ऐड कर दी हूँ। तो तेल गरम हो चुका है तो मैं पहले वो डाल दूँगी लहसुन और हरी मिर्च, तो थोड़ा थोड़ा डाल दूँगी या थोड़ा बचा दूँगी। चावल में डालना है जब चावल भूजूँगी, तो ये सब में से मैंने डाल दिया और अच्छे से पका लूँगी। तो पकाने के बाद फिर मटर ऐड करूँगी मैं इसमें। तो मैं फटाफट बना लेती हूँ क्योंकि डुग्गू सोया हुआ है, उठेगा तो बहुत परेशान करेगा। तो ब्राउन हो जाएगा तब मैं मटर डालूँगी। तो आप सभी बने रहिए।
सारे बेसिक मसाला जो इसमें डाला जाता है सब डाल देंगे। तो पहले मैं मैगी मसाला डालूंगी और थोड़ा सा गरम मसाला, हल्दी, नमक स्वाद अनुसार, बस यही सब डालूंगी और कुछ नहीं। मेरा मैक्रोनी बन के तैयार हो गया। अब मैं चावल जा रही हूँ भूनने, तो इसको मैं अलग बर्तन में निकाल कर रख लेती हूँ, फिर आप सभी से मिलते हैं। मैक्रोनी बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था, ये देखिए कितना यम्मी लग रहा है, बहुत ज़्यादा। डुग्गू को भी बहुत ज़्यादा पसंद आया था। मैंने अलग बर्तन में निकाल ली हूँ, तब मैं चावल को भूनने जा रही हूँ। तो ये देखिए बहुत सारा चावल बचा हुआ था, तो इसी कढ़ाई में मैं बना लूँगी। तो कढ़ाई को मैं धो दी हूँ, तो तेल गरम करने के लिए रख दी। तो तेल गरम होने के बाद मैं सारी चीज़ें डाल दूँगी उसमें, प्याज, लहसुन, हरी मिर्च, और भुनने के बाद फिर लास्ट में मटर डालूँगी। तो मटर को भी अच्छे से पकाने के बाद फिर मैं चावल डालूँगी और स्वाद अनुसार नमक डालूँगी। इसमें मैं हल्दी नहीं डालूँगी क्योंकि पीला हो जाता है तो पसंद नहीं आता है मेरी फैमिली को, इसी वजह से मैं हल्दी नहीं डालूँगी। तो सिर्फ ऐसे ही करके मैं नमकीन चावल बना के मैं रेडी कर लूँगी। तो ऐसे बनाने पर मतलब ठंडी में चावल भी ख़त्म हो जाते हैं, ऐसे मतलब ठंडा रहता है तो कोई नहीं खाता, ऐसे चटपटा बन जाता है नमकीन चावल तो कोई भी खा लेता है। तो ऐसे ख़त्म भी हो जाता है, वेस्ट भी नहीं होता है, मतलब ख़राब फेंका नहीं जाता है, गाय को दिया नहीं जाता, ऐसे वेस्ट नहीं होता है तो घर में ख़त्म हो जाता है। तो मैं चावल बच जाता तो ज़्यादातर मैं ऐसे ही बनाती हूँ ठंडियों के समय। तो देखिए कितना टेस्टी लग रहा, बहुत ज़्यादा यम्मी बना था। तो ये खाना बनाने के बाद फिर मैं रोटी बनाऊँगी। सब कुछ मेरा बन चुका है, सिर्फ रोटी पकाना बाकी है। तो चावल भुनने के बाद फिर मैं रोटी पका लूँगा। रोटी पकाने के बाद सभी लोग दुकान से आ गए, तो सभी लोग को मैं खाना परोस के दे दी थी खाने के लिए। तो सभी लोग खाना वगैरह खा चुके हैं, मैं भी खा चुकी हूँ। तो अब मैं आ गई हूँ अपने ड्यूटी पर, लग चुकी हूँ, मतलब किचन की सफाई और बर्तन वगैरह धोना है। तो पूरा किचन मेरा इधर से उधर फैला हुआ है, तो पहले मैं सारा बर्तन इकट्ठा करके रख लूँगी धोने के लिए। जो भी किचन में सामान फैला हुआ है उसे हटा दूँगी, या जो सामान रखना होगा उसे समेट के रख दूँगी, और फिर अच्छे से किचन को डीप क्लीनिंग साफ़ कर लूँगी। मतलब जो डेली रूटीन का मेरा किचन साफ़ होता है मैं वैसे ही साफ़ कर लूँगी अच्छे से फटाफट से। और साफ़ करने के बाद फिर मैं बर्तन वगैरह भी धोऊंगी। तो अगर आप सभी को आज का छोटा सा व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आप तक मेरी पहले पहुंचती रहे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने सारे सामान हटा दियो और मैं आप किचन की सफाई करने आ गई हूँ। तो मैंने मग्गे में पानी ले लियो, दो तीन बार चेंज करना पड़ता है अगर पानी गंदा हो जाता है तो। ये सारे काम मैं रात को ही निपटा के ही सोती हूँ, मतलब सुबह का टेंशन नहीं रहता है कि उस जल्दी उठ के मेरे को किचन साफ़ करना है, बर्तन धोना है। तो ये सारा काम मेरा रात को ही फिनिश हो जाता है, तो मैं टेंशन फ्री रहती हूँ। बस सुबह उठ के झाड़ू और पोछा करना होता है और डस्टिंग वगैरह करना होता है, ये आधा काम मेरा रात को ही ख़त्म हो जाता है। तो मैं आराम से अच्छी सी नींद लेती हूँ, और जिस दिन मतलब बाई चांस अगर काम नहीं हो पाता रात में तो सुबह जल्दी उठना पड़ता है। ठंडी के समय मैं तो रात में ये सोचती हूँ कि ये काम निपटा के ही सोऊं ताकि सुबह का झंझट ना रहे। आलसपन भी आता है इस ठंडी के मौसम में, इतनी भयंकर वाली ठंडी पड़ रही है, बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ रही है, कपकपी वाली। तो अपने बच्चों को बचा के रखिए और आप सभी भी बच के रहिए इस ठंडी से, बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही है। मतलब हवा तो इतना सन सन बहुत ज़्यादा हवा चलता है,
तो इसी वजह से मैं ये सारा काम रात को ही निपटा लेती हूँ और डुगू अपना खाना खा के पापा के साथ टाइम स्पेंड कर रहा है, मतलब मस्ती कर रहा है उनके पास बैठ के। अब मैं फटाफट से अपना काम करके फिर मैं भी जाऊँगी सोने। तो पहले मैं काम फिनिश करने के बाद तो फिर जैसे कि दूध गर्म करना पड़ता है दोबारा से मेरे को उसके पापा को, मतलब डुगू के पापा को दूध देना पड़ता है। तो आधा एक घंटे के बाद ही दूध पीते हैं खाना खाने के बाद। और डुगू की फिर मालिश भी करनी है पैरों की, तब जाके मेरे को सोना है। तो इधर मेरा किचन बिल्कुल साफ़ हो चुका है, अब मैं जा रही हूँ बर्तन धोने। तो ये देखिए मैं बर्तन धोने बैठ गई हूँ, तो रात का समय है इसलिए थोड़ा कालापन लग रहा है। तो ये देखिए मैं फटाफट से बर्तन धो लेती हूँ और फिर मैं जाऊँगी डुगू के पास, क्योंकि डुगू कह रहे हैं मम्मी जल्दी आओ मुझे नींद आ रही है और तेल लेके आना। तो मैं बोली ठीक है बेटा अभी जल्दी से आ रही हूँ, बस बर्तन धोने हैं मेरे को। तो ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे, बाय बाय।